बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर ट्रोल हो रही हैं। मूवी का नाम है जनहित में जारी। ये मूवी कॉन्डोम के प्रति लोगों को जागरूक करती है। फिल्म में नुसरत भरूचा सेल्स गर्ल बनी है जो कॉन्डोम बेचती है और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का काम करती है। सब्जेक्ट काफी बोल्ड है पर मजेदार है। फिल्म 10 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसका जल्द ही ट्रेलर रिलीज होने वाला है। इससे पहले मूवी के पोस्टर और टीजर रिलीज किए गए हैं। बस जब से पोस्टर टीजर रिलीज हुए हैं ट्रोलर्स एक्टिव हो गए हैं। नुसरत ने हेटर्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सबसे बुरे और भद्दे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट को जनहित में जारी कर दिया है। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की आज यानी 5 मई को बर्थ एनिवर्सरी है। एक छोटी सी म्यूजिक कैसेट कंपनी से बिजनेस की शुरुआत करने वाले गुलशन कुमार ने म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचा दिया था। कांस फिल्म फेस्टिवल के जूरी पैनल में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के शामिल होने के बाद भारत को एक और सम्मान मिला है। इस साल होने वाले कांस फेस्टिवल में भारत ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कांस फिल्म मार्केट में कंट्री ऑफ ऑनर का ट्रेडिशन शुरू किया गया है। आने वाले समय में यह परंपरा अलग अलग देशों के साथ जारी रहेगी। फिल्म मेकर रोहित धवन और वाइफ जानवी धवन दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं। कपल ने अपने घर एक बेबी बॉय का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रोहित हॉस्पिटल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित फिल्म मेकर डेविड धवन के बड़े बेटे और उनके छोटे भाई वरुण धवन जो एक एक्टर हैं।